अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में हम सेकंड ईयर की सेकंड बुक के फर्स्ट लेसन द डाइंग सन के टेक्स्ट पर काम कर रहे हैं। मैंने किस तरह से आपने टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करना है के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है इससे पहले लेक्चर्स में। ये टू सेंटेंसेस हैं, आप इन सेंटेंसेस को गो थ्रू करें और मुझे बताएं कि ये किस किस्म के सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस हैं, कंपाउंड सेंटेंस हैं या कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। और इसके अलावा अगर आपको इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है तो ज़रूर उसको कमेंट्स में डिस्कस करें। देखें जी, पहले सेंटेंस को, द सन एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। किस किस्म का सेंटेंस है? वेल राइट, कम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों कम्प्लेक्स है? क्योंकि इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जी, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है? ठीक, द सन एंड अदर स्टार्स आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड देन वी सी इन द स्काई, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा, ये किस किस्म की सबऑर्डिनेट क्लॉज है? हमने तीन किस्म की सबऑर्डिनेट क्लॉजेज को स्टडी किया। हमने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेज या तो नॉन क्लॉजेज होती हैं, या एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं, या एडवर्ब क्लॉजेज होती हैं। तो ये किस किस्म की क्लॉज है? वेरी गुड, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉजेज को हम रिलेटिव क्लॉजेज भी बोलते हैं। अच्छा, ये फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, ये क्या है? वेरी गुड, ये दो फ्रेजेज का कम्बिनेशन है। पहली फ्रेज को हम नॉन फ्रेज बोलेंगे, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, सॉरी फॉर टू हॉट फॉर लाइफ। और देखें इस फ्रेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। एडवर्ब प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अच्छा, आप कर सकते हैं इस किस्म का काम करने की कोशिश करें कि इस तरह से दो एडवर्ब यूज़ करें, देन सम एडजेक्टिव यूज़ करें जो भी आपको आता है, और फिर एक प्रेपोजिशन यूज़ करें और फिर एक नाउन यूज़ करें, और देखें कि किस किस्म के मीनिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, जब आप लैंग्वेज के साथ इस किस्म की इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा याद रखें, सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर नॉलेज पे जो आपके पास नॉलेज है उसको यूज़ करें और प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू एग्जिस्ट ऑन देम, किस किस्म की फ्रेज है ये? यस, इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो इस इन्फिनिटिव फ्रेज की स्ट्रक्चर को देखें कि किस किस्म की स्ट्रक्चर है। टू एग्जिस्ट ऑन देम, पहले एक इन्फिनिटिव लगा हुआ, देन एक प्रेपोजिशन है, देन प्रोनाउन। आप इस किस्म की और फ्रेजेस को ही कंस्ट्रक्ट करके देखें, ठीक है ना? जैसे आप सपोज बड़ा सिंपल सा यूज कर सकते हैं, टू गो ऑन कोई भी प्रोनाउन ले लें, या कोई नाउन ले लें प्रोनाउन की जगह, टू गो ऑन द मून। ओके, तो एक और आपकी इन्फिनिटिव फ्रेज बन जाएगी। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि किस किस्म के मीनिंग क्रिएट हो रहे हैं। इससे पहले आप ऊपर जाते हैं, द सन एंड अदर स्टार्स एक नॉन फ्रेज है, देखें इस नॉन फ्रेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, सॉरी प्लस कंजंक्शन प्लस एडजेक्टिव एंड देन अनदर नाउन। तो आप इस तरह से अपनी फ्रेजेस कोई कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज के साथ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे,
आप लैंग्वेज के साथ उतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, और लैंग्वेज के साथ यही कंफर्ट लेवल आप को लाइफ में डेवलप करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा इशू है। क्या इशू है? राइटर ने सब्जेक्ट को बाद में लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस की फर्स्ट क्लॉज में, ठीक है। और वैसे जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं, सो नो डाउट वर द पीसेज ऑफ द सन व्हेन दे वर थ्रोन ऑफ, ये भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये व्हेन वाली क्लॉज ऑफ कोर्स एक एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये टाइम का आइडिया दे रही है। इसे पहले वाली क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, उसमें राइटर ने क्या किया? सब्जेक्ट को बाद में लिखा है, और सब्जेक्ट क्या है? द पीसेज ऑफ द सन। अब यहाँ पे भी आप देखें कि इस नाउन क्लॉज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर यूज हुई है। पीसेज ऑफ द सन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, देन एडजेक्टिव, देन नाउन। तो आप इस किस्म की फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करें, एटलीस्ट एक दो लाजमी कंस्ट्रक्ट किया करें ताकि आप कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू करें फ्रेजेस को कंस्ट्रक्ट करने में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या आपकी प्रेपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट वो एक सिंपल नाउन है या सिंगल वर्ड है, उससे ज़्यादा अफेक्टिव होता है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप डिफरेंट नाउन फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। उसके बाद देखें व्हेन दे वर थ्रोन ऑफ, ठीक है। अब वर थ्रोन ऑफ वर फ्रेज है, और ये वर थ्रोन ऑफ क्यों ये स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होती है, इस चीज़ को अपने जहन में बिठाएं कि एक तो ये कि इस चीज़ को क्लियर करें कि इज एम आर वॉज वर, इस किस्म के वर्ड्स को हम स्टेट वर्ब्स बोलते हैं, स्टेट वर्ब्स भी बोलते हैं, और ये मेन वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इस्तेमाल हुआ इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव स्ट्रक्चर है। तो जब आप टेक्स्ट को इस तरह से रुक के पढ़ रहे हैं तो अगर आपको पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव स्ट्रक्चर है, ऑफकोर्स आप बड़ा इजीली गैस कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगी। वर्ड थ्रोन ऑफ ये वर्ब फ्रेज है। इससे ऊपर अगर आप जो है वो जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ये एक वर्ब फ्रेज है, और इस वर्ब फ्रेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया कि वर्ब है एंड देन इट पुट्स मॉडिफायर्स हैं। तो ये फ्रेजेस के साथ काम करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, अपने आप को आदी बनाएं कि आपने फ्रेजेस के साथ काम करना है, आप फ्रेजेस को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को रिकग्नाइज कर सकें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को आप कंस्ट्रक्ट कर सकें, एंड देन ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ वैसे ही कम्फर्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये सेकंड सेंटेंस को जब आप देखते हैं, इसकी फर्स्ट क्लॉज को मैंने कहा है कि पीसेज ऑफ द सन, ठीक है। अब ये सो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? वर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राइटर ने यहाँ पे इस सेंटेंस के प्रेडिकेट को मिस किया है, बिकॉज सो का वर्ड यूज करके पीछे लिंक किया है इसको। तो ये सो पहले मैं बात बता चुका हूँ ये कि सो या इस किस्म के वर्ड्स जो ट्रांजिशन करते हैं ये पिछले आइडियाज़ के साथ लिंक करते हैं, तो इस किस्म के वर्ड्स पे भी स्पेशल तवज्जो दिया करें ताकि आप इस किस्म के वर्ड्स को अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकें। एंड योर राइटिंग इज़ evaluated for this kind of things, कि आपकी राइटिंग को देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ में कोई कोहरेंस है, आपके आइडियाज़ एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है अब ये दो सेंटेंसेस तो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे आपको, और अब अगले सेंटेंसेस देखते हैं। ऑफकोर्स आप खुद से काम करना शुरू करें, एंड कमेंट्स में लाजमी
आप चीज़ों को मेंशन करें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग तब भी आप जो है वो मेंशन करें और ये बताएं कि आप किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं इंग्लिश लेसन्स को इस तरह ट्रीट करने के बाद। आई नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू नॉट यूज़ दिस मैथडोलॉजी इन ऑर्डर टू टीच इंग्लिश एट इंटरमीडिएट लेवल, बट आई फील our students fail to perform very well in English because उनको एक मॉडल लिटरेचर के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, लैंग्वेज के बारे में उनको इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता। तो नेक्स्ट टू सेंटेंसेस देखते हैं और फिर उसके बाद हम उन पर बात करते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए। आई होप बाय नाउ यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं और आप में ये एबिलिटी भी पैदा हो गई है कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस को अलग कर सकें और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें, उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकें, उस स्ट्रक्चर का फार्मूला लिख सकें और उस जैसी और फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं ये दिस इज़ माय होप, मुझे लगता है कि मेरी होप पे आप लोग पूरा उतरेंगे। तो ये फर्स्ट सेंटेंस को ज़रा पढ़ें और मुझे बताएं कि ये किस किस्म का सेंटेंस है। ठीक है, अगर आपको नज़र आए कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज का कम्बिनेशन है, ऑफ कोर्स आप इसे कहेंगे कि ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ज़रा देखें इस सेंटेंस को, ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर अंटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, दे वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम। यहाँ तक ये सेंटेंस है। ठीक है, अंटिल से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें सेकेंड क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ग्रेजुअली का फंक्शन नोट करें कि ग्रेजुअली क्या काम कर रहा है। ग्रेजुअली मीन स्लोली, तो ये क्या काम कर रहा है। बिकेम इज नॉट अ डिफिकल्ट वर्ब, आपको इसके मीनिंग आते हैं, आप बड़ी देर से इसको पढ़ते आ रहे हैं। एंड कूलर ऑफ कोर्स वेरी कॉमन वर्ड है, आप बड़ा आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, ठीक है, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस जिस तरह से आपने बोला। देन नेक्स्ट देखें, दे वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन। अब अगर इस पार्ट को सेंटेंस के देखें तो राइटर ने यहाँ पे वर्ब को मिस किया है, दे वार्मथ इज कमिंग। ठीक है, और राइटर्स इस किस्म के मिसिंग्स में अक्सर इन्वॉल्व होते हैं, इससे स्पीच ज़्यादा कोहरेंट बन जाती है, इससे ये ज़्यादा कंसाइज हो जाती है। तो आप इस किस्म का काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आफ्टर यूर एग्जाम्स एंड व्हेन यू फील के आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं विद लैंग्वेज, उस वक्त आप इस किस्म के काम करना शुरू करें। नेक्स्ट एक और रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉजेज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं। ये विच प्रोनाउन है, रेडिएशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैं चलते चलते आपको बता दूं कि ऐसे प्रोनाउंस जो अपने से पहले गुजरे हुए नाउन की तरफ इशारा करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, और जिस नाउन को ये पॉइंट आउट करते हैं उसको इनका एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, एंटीसीडेंट। क्या बोला है, एंटीसीडेंट। क्या बोला है, एंटीसीडेंट। ठीक है, आप बाद में कहीं पे फंक्शनल इंग्लिश इस किस्म की चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपसे इस किस्म की टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा। बहरहाल आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेज में डिस्टिंक्शन करना सीखें, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड देन
फिर क्या करें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस को कंस्ट्रक्ट करना सीखें। अब अगर आप इस सेंटेंस की फर्स्ट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज को देखते हैं, दे बिकेम कूलर, क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, प्रोनाउन देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आप इस किस्म के सेंटेंसेस, इस किस्म की क्लॉजेस बड़ा इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, इस क्लॉज को थोड़ा सा कम्प्लेक्स राइटर ने बनाया, बट यू कैन मेक इट वेरी सिंपल। आप पहले वही प्रोनाउन वर्ब और उसके बाद जो भी आपने सेंटेंस में डालना है उस कम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। अब ये देयर वॉर्मथ, इसमें देयर वॉर्मथ एक नाउन फ्रेज है, आप देखें किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ फ्रेजेज, आप बड़ी अच्छी तरह से आप समझने लगे होंगे। ठीक है, इज कमिंग, ठीक है, राइटर ने यहाँ पे इज मिस किया है, ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम। अब यहाँ पे भी अगर आप इस क्लॉज की स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या है, पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन है, देन आर्टिकल है, देन नाउन है, एंड देन एक वर्ब फ्रेज है, एंड देन प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो आप इस किस्म की स्ट्रक्चर्स को पहले लिखें एंड देन उस स्ट्रक्चर को क्लोजली फॉलो करते हुए अपनी क्लॉजेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल व्हेन यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। ठीक है जी, सेंटेंस इसको मैंने एक्सप्लेन किया और अब मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशंस कर चुके हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें ज़रा, राइटर ने क्या किया है, उसने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस के शुरू में लिख दिया, इन द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है जी, क्या है, एक प्रेपोजिशन है, देन एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, नाउन, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ये स्ट्रक्चर है। तो आप कर सकते हैं इस किस्म की और फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट, लाइक इन द कोर्स ऑफ जर्नी कह सकते हैं, इन द कोर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस कह सकते हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज वंस यू आर कंफर्टेबल विद यू आर कंफर्टेबल इन ड्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखें, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज, अगेन एक नाउन फ्रेज है, देखें ये नाउन फ्रेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है। एंड इसमें फिर आप उसी तरह से इस किस्म की फ्रेजेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, लाइक वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज की बजाय जो है वन ऑफ दीज बर्निंग भी आप लिख सकते हैं। और ये पार्टिसिपल अगेन रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट कि कूलिंग क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल और पार्टिसिपियल हम बार बार इसकी बात कर चुके हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्ड्स और आप इनको बड़ा आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनको बड़ा आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें ज़रा, जहन में बैठाएं, गेव बर्थ टू लाइफ एक वर्ब फ्रेज है, ठीक है जी, गेव बर्थ टू लाइफ, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरा ये इनमें से एक टुकड़ा ठंडा हो गया और वहाँ पे फिर ज़िंदगी पैदा हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस वेरी पिथी सेंटेंस है, देखें क्या पिथी क्या होता है, जिसमें मुख्तसर सेंटेंस में बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बड़े मीनिंग जो है वो दे दिए जाए। क्या लिखा हुआ, वी डू नॉट नो हाउ व्हेन और व्हाई दिस हैपन्ड। इस सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एडवर्ब क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज वी डू नॉट नो, और प्रिंसिपल क्लॉज की स्ट्रक्चर देखें एंड देन जो आपकी एडवर्ब क्लॉज है उसकी स्ट्रक्चर देखें। आई फील के इट इज़ वेरी ईजी टू राइट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज इफ़ यू डू अ लिटल बिट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले क्या करें, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, डिफरेंट क्लॉजेज की स्ट्रक्चर। और अगर आप को लगता है कि आपने ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेज लिखने, फिर क्लॉजेज और फ्रेजेस डालें, ठीक है, तो सेंटेंसेज दे ऑटोमेटिकली बिकम लॉन्गर, एंड लॉन्गर सेंटेंसेज आल्सो शो यूर कंफर्ट लेवल विद इंग्लिश लैंग्वेज।
कि आप कितना लंबा सेंटेंस लिख रहे हैं. ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा आप लैंग्वेज के साथ जो है वो कंफर्टेबल होंगे, जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आसानी महसूस करेंगे, उतना लेंथी सेंटेंस लिखेंगे. लेंथी सेंटेंस आपको ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ करने में हेल्प करता है. लाइक वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं. ये द मोर डिस्क्रिप्टिव यूअर सेंटेंसेस तो मोर अफेक्टिव यू एज अ राइटर आर. ठीक है, जितना ज़्यादा अफेक्टिव आप सेंटेंस लिखते हैं उतने ही अफेक्टिव आप राइटर हैं. ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं. तो उन सेंटेंसेस पे ऑफ कोर्स हम इसी तरह से बात करेंगे. इन दो सेंटेंसेस को देखिए और इनको गौर से पढ़िए. इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि देयर इज़ हार्डली अ सिंगल वर्ड ऑफ वोकेबलरी जिसे आपने फर्स्ट ईयर में या उससे पहले नहीं पढ़ा. यानी वोकेबलरी में कुछ भी नया नहीं है. यहाँ पे जो असल चीज़ है, जिस चीज़ को आपने देखना है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज़ हुई हैं इन सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ऑफ कोर्स उन स्ट्रक्चर्स तक आप उस वक़्त पहुँचेंगे जब आप अपने आप में ये एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं. और मेरा ख्याल है अब तक आप में ये एबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए कि आप सेंटेंसेस को डिफरेंट क्लॉजेस और डिफरेंट फ्रेजेस में ब्रेक कर सकें, एंड देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को रेकग्नाइज कर सकें इन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, फिर आप क्या करने लगते हैं, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फार्मूलाज लिखने के काबिल हो जाते हैं. और वंस ये काम हो जाए तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस आपको लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनाए. देखिए इस सेंटेंस को, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स. यहाँ एक क्लॉज ख़त्म हो जाती है. अब ये रिलेटिव क्लॉज अगली देखें, हूज लिविंग पावर consisted chiefly in their being able to reproduce themselves. ठीक है, in their being able to reproduce themselves. ठीक है, आप इसे एक preposition phrase ले लें या इसको as a preposition phrase और एक infinitive phrase के तौर पर ले लें और इन structures को आप draw कर लें. देन आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए इसी तरह की दूसरी फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करें. तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना या बोलना बहुत इजी हो जाएगा. बिफोर डाइंग, अब ये बिफोर डाइंग अगेन एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, तो इस प्रपोजिशनल फ्रेज को आप देखते हैं तो बड़ी सिंपल सी प्रपोजिशनल फ्रेज ये बनी है. बिफोर डाइंग, बिफोर प्रपोजिशन एंड डाइंग आपका एक पार्टिसिपल लगा हुआ है. ठीक है, तो राइटर के मुताबिक जो पहले सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ सीरियस स्टूडेंट हु हैज कम इन हिज सेकेंड ईयर. उसको इस किस्म की स्टोरी सुनाने की बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. उसे मीनिंग समझने में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जब वो सेंटेंसेस को डिफरेंट क्लॉजेज और फ्रेजेज में ब्रेक करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है. आई थिंक आप इसको अब आसानी से रेकग्नाइज कर सकते हैं. आप में ये एबिलिटी पैदा हो गई है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज को रेकग्नाइज कर सकें. ओके, देखें, बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ. ठीक है, अब इस क्लॉज को अगर आप देखते हैं तो राइटर ने थोड़ा इसमें उल्ट पुल्ट किया है कि सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में लिखा है. असल में ये सेंटेंस अगर नॉर्मल लिखा जाता तो अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ केम फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, इस तरह से ये एक सेंटेंस बनना चाहिए था. बट आप देख सकते हैं कि रेगुलर स्ट्रक्चर यूज़ की जाए और इस तरह से इररेगुलर स्ट्रक्चर यूज़ की जाए, मीनिंग्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने इस चीज़ को समझना है. एंड देन यू विल कीप इट इन माइंड
And of course, when you are a second year student, you are not required to write this kind of sentences where there is a lot of inversion. But if you can do it, this is an added advantage. और इस किस्म की स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको ऑफ कोर्स वर्ड की मीनिंग एंड सेंस के साथ बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर होना पड़ेगा. देन अगेन एक विच, व्हाट विच, विच किसको रेफर कर रहा है, विच लाइफ को रेफर कर रहा है, प्रोनाउन है. ओके, कॉमा लगा के आगे एक क्या किया है, एक पार्टिसिपियल फ्रेज यूज किया, ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. ओके, देखें कि किस तरह से इस पार्टिसिपियल फ्रेज को कंस्ट्रक्ट किया गया है. ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. व्हाट, सबसे पहले पार्टिसिपल है, एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, नाउन. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो और इस किस्म की फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, लैंग्वेज के साथ आपका कंफर्ट लेवल बढ़ता है. आई एम यूजिंग दिस वर्ड कंफर्ट लेवल अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज योर कंफर्ट लेवल विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद लैंग्वेज. एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स मेक यू एन इंडिविजुअल राइटर और दिस इंडिविजुअलिटी इज डिमांडेड. दिस individuality is a required thing when you want to do something extraordinary in your life. Well, if you do not have this individuality, you can pass your exams, you can get very good marks, this is possible. But if you want to be extraordinary, you will have to produce extraordinary work. Okay, Baral, whose lives, again एक relative clause है, whose lives, whose refer कर रहा है beings को, whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and the religions in which, again which is referring to religions, lie their highest hopes and noblest desires. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड सेंटेंस को भी राइटर ने किस तरह से डिफरेंट फ्रेजेज एंड डिफरेंट क्लॉजेज को मिक्स करके एंड डिफरेंट आइटम्स ऑफ वोकैबुलरी को यूज करके कंस्ट्रक्ट किया. देखें जैसे डिफरेंट नॉन फ्रेजेस यूज हुई हैं, देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस नॉन फ्रेज. क्या, सबसे पहले देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, फीलिंग्स नॉन, एम्बिशन कंजंक्शन एंड एम्बिशन, सॉरी एंड कंजंक्शन एम्बिशन नॉन, एंड उससे पहले एक क्वालिफायर देयर लगा दिया. देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें, सॉरी फ्रेज की स्ट्रक्चर देखें, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस नॉन ऑफ प्रपोजिशन, beauty noun, noun plus preposition plus noun, and उससे पहले एक जो है वो qualifier there लगा दिया. ठीक है, अब there जब इस तरह से use होता है grammar में, इसको हम लोग बोलते हैं कि there यहाँ possessive adjective के तौर पर use हुआ है. आगे and the religion, यहाँ तक ये religions, यहाँ तक एक phrase किस तरह से construct हुई है, गौर करें इन चीज़ों पर और इस किस्म की फ्रेजेस खुद से कंस्ट्रक्ट करें. जैसे आप चेंज कर सकते हैं, मसलन सेंस की जगह देयर अवेयरनेस लगा दें, ऑफ ब्यूटी, ऑफ को ऑफ ही रहने दें, ब्यूटी की जगह कोई और नाउन इस्तेमाल करें, चार्म इस्तेमाल कर लें, एंड द रिलीजन, रिलीजन की जगह कुछ फेथ इस्तेमाल कर लें, तो नई एक फ्रेज आपसे बन जाती है. और फिर आप ऑफ कोर्स इस किस्म की फ्रेजेस के मीनिंग को देखेंगे कि इस किस्म की फ्रेजेस के मीनिंग कैसे बनते हैं. अब आगे भी देखें, देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिजायर्स, किस किस्म की फ्रेज यूज हुई है, कि हाईएस्ट एडजेक्टिव है, होप्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है नोबलेस्ट, देन एडजेक्टिव है, डिजायर्स अगेन नाउन है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप कंटिन्यूसली टेक्स्ट के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं,
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम सेइंग दिस सेंटेंस, आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन, एंड व्हेन आई फील दैट आई एम सेइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, इट इज वेरी बिजार, वेरी कॉमन थिंग. But this is important because when a teacher talks about something again and again, it means that that thing is important, and students must put their effort to get an expertise, to get a class familiarity with that thing. We will be talking about these concepts in our future lectures as well. We will be covering this whole book the way we are doing. And if you feel that I am leaving anything, because vocabulary is not difficult in this whole chapter, as the writer is writing about something very much important, but in a simple way. The writer is a scientist. When scientists are writing, it is their utmost effort, utmost desire that everything should appear simple so that everyone can read and understand their writing. तो इसलिए वोकैबुलरी इस लेसन में तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. आई डोंट नॉट सी एनी न्यू वर्ड्स जो आपके सामने पहली मरतबा आ रहा है. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है जो आपके सामने पहली मरतबा आया था, उसे कमेंट्स में मेंशन करें. अल्लाह हाफ़िज़.